राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने संजौली और चौड़ा मैदान में जुलूस निकाला और प्रशासन से एक सप्ताह में अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग की है। वहीं अब सरकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से सरकारी कब्जे हटाने की भी मांग की जा रही है। क्षत्रिय संगठन ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए बाहरी लोगों की पहचान और मस्जिद को तोड़ने की मांग की। संगठनों का कहना है कि प्रदेश में अन्य जगहों पर भी अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और बाहरी लोग बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यहां रहकर भाईचारा खराब कर रहे हैं। चौड़ा मैदान में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदर्शन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल हुए। उन्होंने लोगों का आश्वासन दिया कि अवैध निर्माण को बर्खास्त नहीं करेंगी और मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिस जमीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है और 10 साल केस चलता रहा, 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वॉयलेशंस करी हैं। पहले एक मंजिल बनाई, फिर दो मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि अवैध मस्जिद हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से मामले में कार्रवाई नहीं होती तो सनातनी लोग फैसला करेंगे, वही कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से एक मस्जिद अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को एक संदेश गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसके संदर्भ में जो आज 5 तारीख को हो रहा है और जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। संजौली में हुए प्रदर्शन में हिंदू परिषद के अध्यक्ष कमल गौतम ने इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताते हुए सरकार से वक्फ बोर्ड की जमीनों को अपने अधीन लेने की बात कही है। ये जो अवैध मस्जिद है इसको कितनी शीघ्र अतिशीघ्र जो है सरकार गिराने का काम करती है। हिंदू समाज जो है 15 दिन का समय देगा, यदि 15 दिन के भीतर सरकार इस मस्जिद को हटाने का काम नहीं करती है, क्योंकि पिछले 12-14 साल से जो है ये विषय जो है लंबित है और शनिवार को इसकी सुनवाई है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक तरफा इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। जब सरकार के मंत्री इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं सदन में कि ये पूर्ण रूप से अवैध है, तो सरकार को इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज का पूरा समर्थन सरकार के साथ है इस विषय पर। नेता प्रतिपक्ष जो है वो पहले कह चुके हैं कि अगर अवैध है तो उसको हटाया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको हटाना चाहिए।